हे व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल, लेट्स मी दुप शर्मा साइनिंग इन एमएसबी ब्लॉक, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं आप लोग को ले चलता हूँ पुरुलिया, जहाँ पे कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा कुछ लोकेशन जहाँ पे हम लोग शूट कर सकते हैं और कई नए प्लेस में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे अयोध्या पहाड़, और वहाँ पे अगर स्टे करने मिला तो स्टे करेंगे, नहीं तो रिटर्न बैक होंगे। तो आइए चलिए, जो भाई लोग मेरे चैनल पर नए आए जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी रुके हुए एक जगह पे हम लोग, तो रास्ता का लगभग 40% आ गया और 60% बाकी है। तो भूख लग गया था बहुत ज़ोर से, तो हम सोचे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जितना हम लोग पुरुलिया के पास जाएंगे, मतलब बांकुड़ा से जैसे एंट्री कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे खाना मूढ़ी टाइप मिलता है, तो हम लोग को आदत नहीं मूढ़ी खाने का। तो एक दुकान मिला है मुझे, मिठाई का दुकान जैसा था, जहाँ पे कचौरी बन रहा है, लगभग 15-20 मिनट से कचौरी बन रहा है हम लोग के लिए, हम लोग 4 जन है। तो अभी खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और ब्लॉग में भी थोड़ा एनर्जी लगेगा, और मौसम का हाल देख ही पा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे बारिश और बहुत ही शानदार मौसम है। तो हम लोग का प्लान था बाइक में आने का, तो बारिश की वजह से हम लोग सोचे कार में चलते हैं, बहुत दिन से कार का भी ट्रिप नहीं हुआ। सो चलिए दिखाता हूँ आप लोग को और भी शानदार लोकेशन, रास्ते का तो सफ़र दिखाएं, और भी अच्छे अच्छे लोकेशन मिलेंगे तो आप लोग को दिखाऊंगा। पहुँच चुके हैं हम लोग अयोध्या, अयोध्या हिल का पहला नज़ारा, और ये रास्ता सीधा हम लोग घुसे अभी जस्ट अयोध्या से, अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ ये स्लोगन, बहुत ही सही है और रहना चाहिए, फर्स्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव, सो ध्यान से चलाइए, यहाँ पे बहुत टर्निंग है, जोश ना आ जाए। रिसोर्ट में हम लोग आ गए, अब रिसोर्ट में यहाँ पे देखते हैं रूम है कि नहीं, रूम अगर मिल गया तो हम लोग स्टे करेंगे यहाँ पे, फिर स्विमिंग पूल में थोड़ा रहेंगे, फिर शाम को आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं। सभी एंट्री चल रहा है हम लोग का, और उसके बाद चलते हैं अंदर, मिलता है कि नहीं रूम। एक वैक्सीन वाला आदमी और एक दो नहीं है, तेरा हो गया ना, इसका ही नहीं हुआ, इंसान कंजूस है, पैसा खर्चा करने वाले में एक्सपर्ट है ही नहीं। सो हम लोग और एक रिसोर्ट आए थे, कल्याण रिसोर्ट, तो हम लोग का वैक्सीन कंप्लीट नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रूम के लिए। तो ये है फॉरेस्ट रिसोर्ट, कल्याण फॉरेस्ट रिसोर्ट, ये बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। सभी देख रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं भाई साहब, फ़ोन लगा रहे हैं, किससे पूछे थे मिल जाएगा रूम, नहीं तो फिर बैक कर जाएंगे हम लोग दुर्गापुर। बहुत ढूंढने पर हम लोग को मिला है सस्ता चीप होटल, क्योंकि हम लोग हमेशा चीप होटल में उठते हैं। तो आप लोग को व्यू दिखाता हूँ, होटल का नाम है अयोध्या गेस्ट हाउस। सो यहाँ पे हम लोग को रूम लिए हैं, एक एसी रूम है जिसमें दो बेड है, और चार्जेस लिया 2,000 रुपीस, खाने का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। हम लोग अभी यहाँ ऊपर डैम, और यहाँ पे लिखा हुआ फोटोग्राफी प्रोवाइडेड, अनऑथोराइज एंट्री प्रोवाइडेड, तो इसके अंदर भी फोटोशूट अच्छा होता अगर यहाँ पे जा पाते हम लोग। सो ये है व्यू पूरा, बहुत ही शानदार, और बहुत ही आदमी लोग आए घूमने के लिए, आज संडे का दिन है, हम लोग भी आए और रूम मिल गया इसलिए थोड़ा एनर्जी मिल गया। सो आप लोग को कैसा लग रहा है नज़ारा, आप लोग भी आइए अपने फैमिली के साथ और एंजॉय कीजिए अयोध्या हिल में।
बोली तुम्हारी कुछ। अभी हम लोग आए हुए हैं तुड़गा फॉल्स, तो अभी नीचे यहाँ पे फॉल्स है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ नीचे जाके नज़ारा। सो यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है और बारिश भी हुआ है धीरे। हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग बारिश में भीगेंगे, बट हुआ नहीं, गर्मी था सुबह से बहुत, तो थोड़ा सो गए थे। अभी पड़ रहे हैं शाम के 5 और हम लोग अभी आए हुए हैं तुड़गा फॉल्स। कितना मेहनत करके हम लोग नीचे जा रहे हैं और मेरा पैर का ऐसे ही लिगामेंट थोड़ा हिला हुआ है, तो उतरने में तो प्रॉब्लम नहीं है, उतने में ना प्रॉब्लम हो जाए। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग कंटेंट के लिए बहुत करना पड़ेगा, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा साइड से ये नेचुरल जो वाटर का झरना का पानी का जो साउंड है वो बहुत ही मस्त लगता है। जैसे मिल रही हो इधर से हवा का फिराना सा है, इश्क है या क्या है। तो जब हम लोग पहली बार आए थे तो यहाँ पे कुछ सारे स्टॉल थे, और आप लोग को मेरा पहला वाला ब्लॉग में दिखाई देगा ये बामनी फॉल्स। एंड अभी बामनी फॉल्स इन अंडर रिपेयरिंग, इट इज़ क्लोज फॉर विजिटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है। एंड अभी यहाँ पे है ताला और आप लोग को मैं दिखा नहीं पाया, सॉरी, और कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर से दिखाऊँगा। तो यहाँ से पूरा रास्ता सीधा जाने के लिए, और ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है क्योंकि यहाँ पे नीचे जाते जाते आधा घंटा लग जाएगा, ऊपर आते आते आधा घंटा लग जाएगा, ऊपर आने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, 1 घंटा। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज डे 2, तो डे 2 में हम लोग अयोध्या के आसपास कुछ जाएंगे और रूट रूपॉल भी आप लोग को ले जाएंगे। अगर झारखंड में हम लोग को एंट्री दिया तभी होटल से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30, थोड़ा चाय वाय पिए फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मार्बल लेक, आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ मार्बल लेक का। सो बहुत ही शानदार जगह है ये अयोध्या का, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं और बोलबम वाले भी आए हैं। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है और ये लेक का व्यू बहुत ही मस्त लग रहा है, आप लोग को मैं थोड़ी देर में ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा। एंड अयोध्या आए और इस लेक में ज़रूर आइएगा, मार्बल लेक। मार्बल लेक आने के लिए रास्ता सीधा है, एंड वहाँ पे सिंबल एक है, नेताजी का स्टैचू है, वहाँ से आप लोग को टर्न लेना पड़ेगा। पहुँच चुके मुर्गा पुमा डैम, जो कि अयोध्या से थोड़ा आपका 14-15 किलोमीटर दूर है, और ये डैम का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो देखिए ये है डैम का रास्ता पूरा, एंड दिस वन इज द व्यू। सो थोड़ा करीब से मैं आप लोग को दिखाता हूँ।
सो फाइनली हम लोग पहुँच गए जोग माया सरोवर। तो आप लोग को व्यू दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा है यहाँ का व्यू। शूट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। सो यहाँ पे एक बोट रखा हुआ है एंड यहाँ पे और एक बोट है। बहुत ही मस्त है लोकेशन और यहाँ बीच बीच में पेड़ है। सो आप लोग को मैं ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा अभी। एंड बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, पूरा एकदम मस्त लग रहा है। सुंदरबन में आ गए हम लोग और अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेस है शूट के लिए। आ सकते हैं यहाँ पे और आप लोग भी आके यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं और घूमने भी आ सकते हैं। सो ये पुरुलिया में है। लोकेशन मैप में लोकेशन थोड़ा अलग जगह दिखाएगा, उस जगह में आप लोग मत घुसिएगा। आप लोग सीधा मतलब मेन रोड है वहाँ से सीधा आ जाइएगा, फिर किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ से फिर आप लोग को राइट टर्न लेना पड़ेगा। फिर राइट टर्न लेके आप पहुँच जाएंगे लोकेशन में। सो यहाँ पे कुछ बैठने का जगह बनाया हुआ है एंड ये है पूरा व्यू। सो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। और अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा NSV ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ धमाल कुछ कमाल लाएंगे। तब तक ले ध्रुव शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय।